तो लेके 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस हफ्ते के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल मनाया जाता है। अज इसका आखिरी दिन है। अज असी तुहाडी मुलाकात जिला हस्पताल फाजिलका विखे बच्चों के रोगों के माहर डॉक्टर काजमी नाल करवा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे बच्चों के रोगों के माहर हैं। उन्होंने गलबात करांगे कि इस हफ्ते की इंपोर्टेंस की है, क्यों मनाया जाता है और माँ के दुध की इन्नी महत्वता क्यों है। डॉक्टर काजमी सब तो पहला तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल है जी, ये जो हफ्ता मना रहे हैं आप, की इंपोर्टेंस है, कि क्यों मनाया जा रहा है, क्यों इन्ना इंपोर्टेंस माँ के दुध की देते कि इंसान जानता नहीं। अपनी कमी है कि समझदार होने के बावजूद भी इस गल अपने एक दूजे बार बार याद दवाना पैदा है कि बच्चे पैदा होने के बाद 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दुध पाया जाता है। इसके बावजूद कि अपन पता है कि माँ के दुध की बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस है। इस तो अच्छा तो परफेक्ट दुध कोई भी नहीं है। इस दुध को ना गर्म करना पैदा है, ना ठंडा करना पैदा है, ना कोई मीठा पाना पैदा है, ना कोई बर्तन की लड़ है, ना कुछ पैसे खर्च करते हैं। आप कहते हैं अल्टीमेट डाइट, अल्टीमेट एंड परफेक्ट डाइट, परफेक्ट डाइट ना कि सिर्फ डाइट है। ये मतलब खुराक के नाल नाल होर भी बहुत बेनीफिट है। जिहड़े बच्चे नूं माँ का दुध पिलाया जाता है, ये देखा जाता है वो बच्चों का बाकी बच्चों के मुकाबले 7 to 8 पॉइंट IQ लेवल बेटर होता है। बहुत ही जिन्हों आप सर कह देना विकास कर रहे हैं जी, वो बेटर होता है। ये मेरे बच्चों नूं वड्डे होके मोटापा, डायबिटीज, शुगर, ये बाकी बच्चों नालों होने के चांसिस बहुत घट है। हाई BP होने के भी चांसिस बहुत घट है। जिन्हें अजकल दमे की बीमारी बहुत चली हुई है, एलर्जी की बीमारी है। बच्चों को माँ का दुध पिलाया जाता है वो बच्चों वैसे ही यह चीज़ा दूजे बच्चों नालों घट होने के चांस। एक होर चीज़ जो पंजाबी की कहावत हैगी है, मैडिकली गल करते मैं तुम्हें सिंपल कर लगे पंजाबी की कहावत है, जिम्मे दो बच्चे लड़ते हैं या कुछ करते हैं आम कहता है माँ का दुध पिता का सामने आ कहते। मैं नहीं सुनया किसी ने कहा डब्बे का दुध पिता सामने आ, असं फिर भी नहीं समझते। बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट इस वीक के थ्रू स्पैशली मीडिया इन्नी ज़्यादा इस बारे जागरूकता दिखती जाती है। इस हफ्ते से इन्ना जोर पाया जाता है भी पूरा साल लोगों को शायद याद रहे कि इंपोर्टेंस है। ये नहीं अजकल अपन न्यूज़ ओलंपिक्स चल रहे हैं, जो सारे पता है ओलंपिक्स में भी एक बार बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई है कि फीमेल प्लेयर्स अदरवाइज ओलंपिक्स फैमिली अलाउड नहीं होंगी, पर अपने बच्चों के नाल इस बार स्पेसिफिकली उन्होंने अलाउड किया गया इंटरनेशनल लेवल पर। एक अलग तो मैसेज जा रहा है कि उत्थे ही आपां नूं इसकी जरूरत है, आपां उत्थे चलाना है। मैंने सब तो वड्डी जिहड़ी चीज़ ना हैरानी वाली गल वह करती है कि अज तक किसी गां ने किसी मझ का दुध नहीं पाया अपने बच्चे, मझ ने गां नहीं पाया, बकरी ने नहीं पाया, तो इंसानों को आपां नूं समझाना पै रहा है। चलो ये तो एक अलग सोच की गल हैगी कि आप क्यों लगता ज़्यादा स्मार्ट हो गए साढ़े फोन हो गए, पर एक चीज़ है कि जी माँ के डाउट्स है जिस करके वो नहीं चलाती की मच कुछ सच्चाई है, जिमें मतलब शरीर बनता कह दिए फिटनेस का कह दिए इस तरह के जो डाउट्स है दिमाग के। बिल्कुल गलत जो भी मिथ्स हैं उनका, इनफैक्ट माँ के दुध नाल सिर्फ बच्चे को फायदा नहीं, माँ को भी बहुत फायदा होता है। प्रेगनेंसी के बाद वजन लूज करना माँ के कॉन्फिडेंस वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। दुध का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा जी माँ अपने बच्चे को दुध खिलाती है वह वेट लॉस भी बेटर होता है। प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन बहुत कॉमन देखा गया मदर को, वो भी जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो मदर को डिप्रेशन बहुत कर देता है। अगर जाके लेडीज को अपन पता मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट एंड ओवरी का कैंसर है, वो भी बहुत कर जाते हैं। एक होर चीज़ जिम्मे तुमने दसिया भी जो तक बच्चा दुध पीता है मदर कंसीव नहीं करेगी, सो आप सोच के देखिए आप किन्ने साल तो फैमिली प्लानिंग चला रहे हैं, पर जो नेचर वाल देखिए तो उन्होंने शुरू तो ही काम किया हुआ कि नेचर ने पहला ही किया जो तक बच्चा दुध पीता है तो दूसरे बच्चे की लोड़ नहीं, लेकिन अभी शायद फॉलो नहीं कर पाए। सो बच्चे फायदा होंगे, माँ को फायदा होंगे, तो फिर आप फिर इस क्यों कितने जाके मतलब ये प्रॉब्लम कितने हैगी है। इस एक्चुअली इस साल की थीम का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल की थीम ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी यह है
कि ब्रेस्ट फीडिंग एक सांझी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ मदर मुझे बाकी फैमिली का सपोर्ट नहीं होएगा तो इन्हें चलो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगी। सांझी रिस्पॉन्सिबिलिटी विच है कि लेडीज अपने घर के बड़े बुजुर्ग के सामने फीड कराउन चाहिए छोटे बड़े का फर्ज बनता है कि जो कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है बच्चा रो रहा है तो कमरा छड़ के चले ना। बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਫੋਰੀਕਲੀ ਨਾ ਟੈਬੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟੈਬੂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। एक होर चीज़ जी अपने सरकारी हस्पताल जिथे आप अपने जनेपे होंगे है उत्थे एक गवर्नमेंट वालों एक प्रोविजन है कि बच्चे के जन्म जो होंगे पहले घंटे के बच्चे उन्होंने हर हाल अंदर ब्रेस्ट फीड लगाना है। किस तरह चल रहा है किस तरह चल रहा है जो तुम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले देखो तो सरकारी इस काफ़ी हद तक बेटर फॉलो किया जाता है। जिन्हें डिलीवरी होंगी क्योंकि आशा वर्कर उन्होंने नाल होंगे एएनएम नाल होंगे तो आधे घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी लगा देंगे सवेरे हद घंटे तक जब तक माँ का नशा उतर दे लगा देते हैं। बाकी हॉस्पिटल्स नालों सरकारी इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए मतलब डॉक्टर काजमी जिस इस सारी जी कन्वर्सेशन है जी अंदाजा लगा सकते हैं आप कह सकते हैं रिजल्ट कर सकते हैं कि माँ का दुध बच्चे अमृत है। पता नहीं किनिया बीमारियों तो किनिया मुश्किलों तो किन्ने रोगों तो आने वाले जो जिंदगी उन्हें झलने हैं उन्हें तो मुक्त कर देता है तो ये अमृत है। तो सारिया माओं को यही अपील करते हैं असं कि बच्चे जोड़ा अमृत रब ने उन्होंने दिता है उस तो वाझा ना करे तो 6 महीने एक्सक्लूसिव। थैंक यू डॉक्टर गाजी। ओके।